भाई को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अभी भी हमें याद कर लेते हैं। मैं ठीक 9:30 बजे पहुंच गया था, साधनहीनता के बावजूद भी आना पड़ता है। हमारे बीच में जो जुगेश जी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मैंने उनसे आग्रह किया कि आपको मेरे साथ चलना है और तुरंत आगे, इनकी वजह से मैं आया, इसलिए इनको धन्यवाद देता हूँ। अब हम लोग विषय पर आते हैं, क्योंकि समय जीवन में बड़ा कीमती होता है और समय ही सब कुछ चक्कर चलाता है। आयोजक आते रहेंगे, विधिवत बात शुरू होती रहेगी। जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, तो ऐसे अनौपचारिक बैठ के बात करें और विधिवत बात करें, क्योंकि समय का भी अभाव होता है और हम लोग बोलते भी रहते हैं चीजों पर, क्योंकि पूरी दुनिया में जो संकट है वो पर्यावरण है। जल बहुत कीमती चीज है। पिछले दिनों जो उत्तराखंड में हुआ, आप देख रहे हैं किस तरह मनुष्य ने पेड़ को काटा और इसका खामियाजा बद्रीनाथ की यात्रा में लोग जो दिवंगत हुए, जो भगवान को प्यारे हो गए, वो तो चले ही गए दुनिया से। जो बच गए उन्होंने कहा कि मुझे मुक्ति मिल गई। तो ये पर्यावरण को बचाना, पेड़ को बचाना, ये बड़ी चीज है। और हम लोग यदि यहाँ से, पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि यदि हम संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं, तो तब तो यहाँ आना सार्थक है, वरना इस गोष्ठी, इस आयोजन और ये सब करना सिर्फ नाटक भर रस मनाई है। हम जन्मदिन अपने बच्चों की मनाते हैं, तो क्यों नहीं उस दिन हम 5 पेड़ लगा दें। तो अभी 5 तारीख, विगत 5 तारीख को पर्यावरण दिवस था, जोगेश जी अपनी गाड़ी में 5 ले आए थे। तो उस दिन हम लोग कई जगह, हमारे गुरु महाराज हैं गणी राजेंद्र विजय महाराज, जिन्होंने मोदी को आशीर्वाद दिया और आज मोदी जो है उनकी वजह से है, क्योंकि आशीर्वाद में एक ताकत है और हम लोग उसी दिशा में, हम अब तो वैराग्य की तरफ मन चला गया है, क्योंकि तो लगता है कि हर आदमी जो मेरे करीब आता है वो कुछ पाने के लिए आता है। हम पाने के लिए जीवन में नहीं जीवित है, हम देने के लिए मेरा जन्म हुआ है। लोगों से मन नहीं करता है बात करने के लिए, क्योंकि ईश्वर में, ईश्वर के जब हम करीब जाते हैं, जब आदमी वैराग्य धारण कर लेता है, तो उसको जीवन में कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती है कि मैं सांसद बन जाऊं या विधायक बन जाऊं या ये कर जाऊं। हम लोग निर्माण करते हैं, भारत का निर्माण। हमारे महाराज जी हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बड़ौदा से 100 किलोमीटर दूर है और वो पहाड़ी पर 500 बच्चों को, हम 5 बच्चों को पाल नहीं पाते, वो आदमी 500 बच्चों को पालता है। क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, जब तक मैं देखता नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करता हूँ। फिर मुझे लगा कि इस आदमी बहुत ऊर्जा है। पिछले दिनों 1 साल में मैंने घर छोड़ दिया और मैं चला गया और उनके साथ करीब करीब 3 महीने मैं 10 पंडित पंथ मार्ग में रहा, समझा चीजों को। फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, भारी पद यात्रा की और लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई मोदी को एक बार मौका दो, और अभी भी यही प्रार्थना मैं करता हूँ, क्योंकि मोदी को इस देश का लोग समझ नहीं पा रहा है कि मोदी है क्या चीज। तो मैं थोड़े शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोदी अपनी बात विदेश में जाकर कहता है, और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान और 70 वर्ष के बाद वो इसराइल गया है, तो ये सब चीजें है हम लोगों को, चूंकि पर्यावरण पर बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं, तो उसी पर बात करें, क्योंकि हम विशेष से भटक जाएंगे तो एक गरिमा का हनन होता है। चूंकि माहौल बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो मैं अब सीधे विषय पर, और जोगेश जी को कीमती समय है और सुबह 9:30 बजे से आए हैं, बहुत बड़े पर्यावरणवादी हैं, काफी ज्ञान है इनमें, और जिसके पास ज्ञान है उसको नमन करना चाहिए। तो मैं जोगेश जी को नमन करता हूँ और लगे रहते हैं, और पर्यावरण के माध्यम से अपने नेचर व्यू एनजीओ के माध्यम से कम 200 लोगों को रोजगार देते हैं। यह बड़ी बात है, क्योंकि आप काम करते हैं और यदि आप किसी को अन्न नहीं देते हैं तो बेकार है आपका जीवन। आप काम कीजिए, हमें पैसे नहीं होते हैं छापने के लिए, मैं सहयोग लेकर के, ये जनता के सहयोग से चल रही है, जनता की ताकत है, 125 करोड़ जनता है। तो हमारे फेसबुक ट्विटर पे लोग लगे रहते हैं,
वो जानते हैं कि पंडित जी को मदद करेंगे कुछ हो जाएगा। तो आशीर्वाद और मदद की ताकत है, आज भी लोग मदद के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से लालू और तमाम लोगों के जो टेलीविजन आप देख रहे हैं, कितने रुपया कितना पैसा हो ये हो रहा है, तो बड़े शर्म की बात है। इसके बावजूद भी बेशर्म लोग कहते हैं अरे इनके पास कहां से इतना धन आ गया। तो ये सब चिंता का विषय, हम लोग अपने विषय पर बात करें। और जुगेश जी को एक बार जुगेश जी के लिए ताली तो बजा दीजिए, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 200 लोगों को रोजगार देते हैं, ये पार्क को डेवलप करते हैं, तो कम से कम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ऋषिकेश में एम्स है, वहां भी लोग 50 लोग लगे हुए। इस तरह से सारे देश में इनका काम है। यहाँ लोधी गार्डन को डेवलप के बगल में है आपका पिपली का गार्डन, बच्चे आते हैं खुश होते हैं। तो मैं जुगेश जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जुगेश जी को जाना भी है, बड़ा काम है इनका, तो मेरे प्रेम में चले आए। आइए जुगेश जी। धन्यवाद। हमारे पंडित जी नरेंद्र शर्मा जी, हमारे आज वैसे गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पे मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु भी हैं और राजनीति गुरु भी हैं और सलाहकार भी हैं। इन्होंने जो है जो इस उम्र में इस एज में पंडित जी जो काम कर रहे हैं, आप देखो कुछ बच्चे जो है ना, देखो हम जो यंग है वो उनके सामने नहीं काम कर सकते, रात दिन लगे रहते हैं। और मैं मंच पे शुक्ला जी को और उपाध्याय जी को और आपके भाई डॉक्टर रियाज जी, ये बहुत ही हमारे मित्र हैं, और डॉक्टर रियाज की मैं प्रशंसा के लिए करूं, क्योंकि ये जो है ना कितनी एनजीओ को खड़ा किया और उसको गाइड दिए, हम लोगों को भी इनसे गाइड मिलती है। तो ये हमारे एनजीओ के गुरु हैं, डॉक्टर रियाज के लिए भी ताली आप दो ना बिल्कुल। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आपके पास हूँ और पर्यावरण पे मैं काम कर रहा हूँ। पर्यावरण जो है, देखो पर्यावरण ही दुनिया का एक ऐसा विषय है, अगर पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, भविष्य नहीं तो आने वाला जो भविष्य है पर्यावरण पे डिपेंड करता है। पानी वायु और हमारी जो है जो पानी वायु है ये बहुत ही खास इम्पोर्टेंट है। पानी बचेगा तो आगे जीवन बचेगा। अभी हमारा जो वायु है, एयर पोल्यूशन है, वो इतना खराब होता जा रहा है। दिल्ली में अभी आप देखो कि ट्रैफिक पोल्यूशन जो है 1985 की बात है, जब मैं दिल्ली आया 1985 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मैं कटिंग अभी रखी हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर 4.5 लाख वाहन थे, 4.5 लाख, आज जो है 70-75 लाख वाहन है, 75 लाख। और कभी वो 4.5 लाख हम डर लगता था, जो दिल्ली में आए हम भीड़ से डरते थे, अरे कितना भीड़ है यहाँ दिल्ली में, क्योंकि